हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो आज हमने बनाए हैं एग रोल्स। तो एग रोल बनाने के लिए हमने जो परांठा या रोटी यूज़ की है वो गेहूं के आटे की रोटी यूज़ की है, तो होल व्हीट आटा ही हमने यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो हमें चाहिए होंगे 6 अंडे। तो ये अंडे तोड़ के हमने एक बाउल में डाल लिए। अंडों को आपने एक बॉल में डाल के इनको कर लेना बीट। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दूध की मलाई या जो मिल्क क्रीम होती है वो वाली। तो मिल्क क्रीम डालने से ना एग रोल्स है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो नॉर्मल खाने वाला चम्मच है वही हमने 2 चम्मच इसमें डाल दिए मलाई के। ये डाल के आपने इनको करना है अच्छे से बीट। इतने अच्छे से बीट कर देना है कि इसका जो है ना एक स्मूथ लिक्विड बन जाए। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और थोड़ा सा हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक इसका एक स्मूथ लिक्विड नहीं बन जाता। तो ये देखो जब हम ऊपर उठाते हैं तो बीटर के साथ कुछ भी चिपक नहीं रहा। चलिए अब एग रोल का बेस बनाते हैं। तो एक हमने गेहूं के आटे की रोटी बना ली है। तो जैसे हम चौकोर परौंठा बनाते हैं ना घी लगा के, तो वैसे ही आपने एक चौकोर परांठा बना लेने। थोड़े से नाइफ की हेल्प से आप इसके ऊपर कट लगा दो। इसको उठा के अपने तवे के ऊपर डाल देने। तो तवे को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था। अब हम इसका परांठा बनाएंगे जैसे हम प्लेन परांठा बनाते हैं नॉर्मली, वही वाला परांठा। तो 2 मेथड से हम एग रोल बनाएंगे, दोनों मेथड मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये पहले वाला मेथड है, दोनों साइड पे घी लगा के आपने इसको अच्छे से सेकने। तो जो हमने इसके ऊपर लाइनें लगाई है ना, इससे जो एग रोल की है ना बाहर से लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। परांठा आपका बिल्कुल अब रेडी हो गया। क्रिस्प भी हो गया। तो अब हम इसको तवे के ऊपर से उठा देंगे। अब थोड़ा सा तवे को ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे अपना एग वाला लिक्विड। और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना परांठा जो प्लेन परांठा बनाया हुआ है, ताकि जो एग लिक्विड है ना परांठे के साथ अच्छे से चिपक जाए। ऊपर से आप तो हल्के हल्के इसको दबाओ और जब पलटाओगे तो इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दो अनियंस, कच्चे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं एग रोल में। इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से गार्लिक के ग्रीन लीव्स। तो ये मेरे पास अवेलेबल हैं इसलिए मैंने डाल दिए। आप अपनी चॉइस का कुछ भी ग्रीन डाल सकते हो। ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दो सॉस। तो ये भी हमारी होममेड सॉस है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। बस अब इसको गोल गोल करके हमने रोल बना देना एक। तो एग रोल हमारा हो गया रेडी। तो ये तो पहले वाला मेथड है, फर्स्ट मेथड। तो ऐसे ही हम अपना दूसरा एग रोल भी रेडी कर लेंगे।
तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले वैसे ही प्लेन पराठा बनाना जैसे हमने पहले बनाया था। उसी तरह से आपने दोनों साइड के ऊपर घी अप्लाई करके परांठे को क्रिस्पी कर लेने। कोई मैदा डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होल व्हीट आटे की रोटी से या होल व्हीट आटे के परांठे से बिल्कुल अच्छे से बन जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इसको उठाएंगे और साइड पे रख देंगे और तवे के ऊपर हम थोड़ा सा पहले घी अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने अनियंस और गार्लिक ग्रीन्स और इसके ऊपर डालेंगे हम एग वाला मिक्सचर। तो एग लिक्विड हमने इसके ऊपर से डाल दिया और इसके ऊपर रख देंगे अब अपना प्लेन पराठा। एक मिनट में ये रेडी हो जाता है एग रोल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दो ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन भी आती रहे। तो अब हम इसमें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं वही प्याज और थोड़े से गार्लिक ग्रीन्स और सेम वे ही हमने इसके ऊपर डाल दिया है सॉस और इसको कर देंगे रोल। तो ये आपका, ये देखो कितनी अच्छी इसकी लुक आनी स्टार्ट हो गई है, देखा। तो गर्मा गर्म आप इस रोल को करो सर्व, बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हो, ठंडे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, गर्म भी टेस्टी लगते हैं, ये दोनों तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।